राइट गाइज, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आपका भाई आ गए हैं फिर से नए वीडियो में आपके लिए गेमिंग लोगो बनाने के लिए। गेमिंग लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें याद आना है पिक्सल ऐप में। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन करना है। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको कैंसिल वाले बटन पर टैप करना है। कैंसिल पर टैप कर लेने के बाद फिर आपको न्यू टेक्स्ट पर आपको डबल बार टैप करना है। न्यू टेक्स्ट पर डबल बार टैप कर लेने के बाद आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे हम लिख लेते हैं परवीन, आप जो भी नाम लिखे उसको आपको कैपिटल अक्षरों में लिखना है। फिर आपको ओके पर टैप करना है। ओके पर टैप कर लेने के बाद आपको ए वाले आइकन पर आना है, आगे स्लाइड करना है, फॉन्ट में आपको आ जाना है। फॉन्ट में आ जाने के बाद आपको माय फॉन्ट में जाना है। यहाँ से आपको एक लिंक की एक फॉन्ट की लिंक मिलेगी जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इसे इस पर टैप करना है। ये आपका फॉन्ट लग चुका है, ओके पर आपको टैप करना है। ओके पर टैप कर लेने के बाद ये आपका फॉन्ट आ चुका है। अब हम आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर में आ जाने के बाद आपको अपने नाम के पहले वर्ड को रेड कर लेना है और अपने नाम के लास्ट वर्ड को भी रेड कर लेना है। बाकी बीच में ऐसे ही रहने देना है, वाइट कलर सॉरी रेड कर लेने के बाद सबसे पहले हम इसे फुल कर लेना है आपको। फिर आपको आ गया ना स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आने के बाद आप इसे ऑन करना है और इसे आपको कर लेना है लगभग 10, 10, 7, 18 काफ़ी रहेगा। सही पर टैप करना है। अब आपको इसमें सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर रिवेन्यू पोजीशन, इस वाले ऑप्शन पर आना है। दोनों पर आपको टैप कर देना है, मतलब जो बीच बीच के उस पर आपको टैप कर देना है और सही पर टैप कर देना है। फिर आपको कॉपी वाले बटन पर टैप करना है, एडिट पे जाना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है गेमिंग। जैसे हम लिख लेते हैं गेमिंग, इसे आपको ट्रिपल अक्षरों में लिखना है। फिर आपको ओके पर टैप करना है। ये आपका आ गया गेमिंग। अब हम आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर में आने के बाद अगर आप इसे आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसे वाइट भी रख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे बीच में रेड भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। हम रेड देने देते हैं, सेव पर टैप करेंगे। अब हम इसे छोटा करेंगे कुछ इस प्रकार और अपने नाम के पास में इसे लगा देंगे। नेम को भी आपको छोटा करना है लगभग इतना ताकि आपको अच्छा लगे, दिखने में आप सभी को अच्छा लगे कुछ इस प्रकार आपको कर लेना है। सबसे पहले कर लेने के बाद आपको लेयर वाले आइकन पर जाना है, इन दोनों को आपको लॉक कर देना है। इन्हें लॉक कर लेने के बाद आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको शेप वाले ऑप्शन पर आना है। शेप में आ जाने के बाद आपको एक शेप लेनी है, इसे आपको कुछ इस प्रकार करना है ताकि ये अपने नाम के पीछे आ सके। जैसे हम कर लेते हैं कुछ इसे लंबा थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार आपको एक शेप लेनी है। इसका कलर आपको रखना है ब्लैक। सही पर टैप करना है, इसे छोड़ देना है कुछ इस प्रकार। फिर से आपको एक और शेप लेनी है, इसे भी आपको कुछ इस प्रकार करना है और गेमिंग के पास में इसे लाना है कुछ ऐसे सॉरी। इसे भी ले लेने के बाद सबसे पहले हम इसका कलर बदल लेते हैं, इसका भी आपको ब्लैक ही रखना है। फिर हम सही पर टैप करेंगे। अब हम आएंगे लेयर वाले आइकन पर और इन दोनों को आपको नीचे कर लेना है अपने नाम के पीछे, टू बैक कर लेना है मतलब कुछ इस प्रकार। कर लेने के बाद आपको इसे लॉक कर देना है ऐसे, लेयर वाले आइकन पर जाकर आपको इसे लॉक कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको आना है इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर। इस वाली पीएनजी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेव पर टैप करना है। ये आपकी पीएनजी आ जाएगी, इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे कुछ इस प्रकार। फिर आगे आना है आपको, आगे आके स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आपको आना है, इसे ऑन करना है, रेड कलर को सेलेक्ट करना है, इसे आपको बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार, सॉरी ब्लैक हो गया। लगभग आपको रख लेना है 3-4। सेव पर टैप करना है। फिर आपको सबसे पहले अब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, ले वाले आइकन पर जाएंगे, हमें इन्हें पीछे कर लेना है लगभग ऐसे, टू बैक आपको इसे कर लेना है, नीचे नीचे लाकर छोड़ देना है।
ये आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसे इसे कर लेते हैं, ले वाले आइकन पर जाना है, इसे भी आपको लॉक कर देना है। इसे लॉक कर लेने के बाद आपको सबसे पहले हम आएंगे इम्पोर्ट, फिर आपको इस वाली पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है, सेव पर टैप करना है, ये आपकी पीएनजी आ जाएगी। सबसे पहले हम ले वाले आइकन पर जाएंगे, ये आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है और इन जो भी हमने मटेरियल यूज करा है इसे छोड़कर उनको आपको मर्ज कर लेना है तीसरे वाले ऑप्शन से। ये आपका मर्ज हो चुका है, अब हम इसे किधर भी ला सकते हैं, सॉरी। फिर आपको इस पर आना है, इसे आपको बड़ा करना है कुछ इस प्रकार, सॉरी सॉरी सॉरी, ले वाले आइकन पर जाकर सबसे पहले इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना ही ले। अब इस पर आएंगे हम, इसे बड़ा करेंगे कुछ इस प्रकार, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप इसे कर लेना। सॉरी और बड़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। इसे कर लेने के बाद आपको आना है आगे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर, स्ट्रोक में आपको रेड कलर को यूज करना है कुछ ऐसे, फिर फाइव कर लेना है, सेव टाइप करना है, फिर सेव वाले यहाँ से हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। फिर आपको सेव वाले आइकन पर जाना है, अल्ट्रा करना है, सेव कर लेना है। सेव हो जाने के बाद आपको फिर से सबसे पहले वन वाले ऑप्शन पर आना है, इस पर टैप करना है और ओके पर टैप कर देना है। ये आपका सब कुछ चढ़ चुका है, न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है इंपोर्ट पे, आप इसे ले लेने के बाद आपको इस पर बड़ा करना है, यहाँ पर लाना है और लेज वाले आइकन पर जाके इसे लॉक कर देना है। अब हम आएंगे फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, इस वाली पीएनजी को फिर से आपको यूज कर लेना है, इसे आपको सेव पर टैप करना है और इसे बड़ा करना है कुछ इस प्रकार। बड़ा कर लेने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पर ऑप्शन पर, ओपेसिटी, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आएंगे, इसे हम करेंगे कम, लगभग आपको रख लेना है 15 इतना रख लेना है लगभग, सेव पर टैप करना है। अब हम जाएंगे लेज वाले आइकन पर, इसे आपको नीचे कर लेना है, नीचे कर लेने के बाद ये आपका यहाँ पर लग चुका है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसे हम, फिर इसे भी आपको लॉक कर देना है। फिर से इंपोर्ट पे जाकर आपको इस वाली पिन को ले लेना है, सेव पर टैप करना है, आपको इसकी साइज को बढ़ा देना है, सॉरी इसे हम बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार। फिर हम आएंगे लेज वाले आइकन पर और इसे आपको नीचे कर लेना है कुछ इस प्रकार। ये आपकी पीएनजी फ्री फायर लोगो बन के रेडी हो चुका है, गेमिंग लोगो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेने के लिए सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सेव इमेज पर टैप करेंगे, इसे अल्ट्रा करके सेव कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।